नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का विलेज कुकिंग चैनल में। और शाम को जो कि 4 बज चुके हैं, इधर देखिए खेत में आए हैं। ये सब देखिए ठंड वाला हम लौकी और कोहरा का बीज लगा रहे हैं। अभी हम चुकंदर भी लाए हैं, उसका भी बीज लगाना है। तो देखिए फटाफट पहले थोड़ा बीज लगा देते हैं, फिर शाम का खाना ही बनाएंगे। फिर अभी देखिए थाला बना रहे हैं, तो मिट्टी देखिए एकदम भुरभुरा हो गया। यहाँ पर हम लगा रहे हैं लौकी का बीज। देखिए इस जगह पर और लगाए हुए थे, अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको लगा दे रहे हैं। देखिए इसको इस तरीके से लगाएंगे, ये जो पतला वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, बाकी मोटा नीचे मिट्टी ढकते रहे। 4 जगह पे लगा दें, 4-5 जगह पे। तो हमने देखिए लौकी और करेले का जो कि बीज लगा दिया। इधर देखिए जो सेम के पास आए हैं, और ये देखिए चौड़ा वाला सेम है, काफ़ी बढ़िया वाला सेम है। इसका भी बीज जो कि हम लाए थे, पता नहीं कहाँ रखा गया है, इस समय मिल नहीं रहा, तो लगा दिए तो वहाँ मड़े के पास। अब कल लगाएंगे, ये देखिए कितना बढ़िया, देखिए सब देखिए चौड़ा वाला सेम देखिए फर रहा है बहुत बढ़िया। और ये देखिए जो आया है ना घास उड़ा देते हैं, सब देखिए घास उग गया है बहुत ज़्यादा, सब घास उस करके इसको मिट्टी थोड़ा चढ़ा देते हैं। पानी तो हम लोग ऐसे बराबर देते रहते हैं, जब भी पाइप ला देते हैं तो पानी यहाँ पे ज़रूर देते हैं। हमने अपने बगीचे में बहुत सारे आम के जो कि पेड़ लगाए हैं, इस बार देखिए हमारा जो आम का पेड़ उगा गए, देखिए ये सब क्या निकल रहा है, जैसे गठिया आ गया एकदम। इसको ना तोड़ के फेंकना पड़ेगा मुझे लग रहा है। आप लोग बताइए ऐसा क्या उपाय है। तो देखिए तो इसमें देखिए एकदम पूरा गांठ बन जा रहा है, पूरा इस तरीके से ख़राब सा, फेंक दिया जाए क्या तोड़ के, तब सुधर जाएगा। अभी फ़िलहाल देखते हैं मुझे दो। नीचे है ले लो हुआ क्या हो रहा। तो देखिए पूरा इसी तरीके से आम के पेड़ में लगा हुआ है, लगा कि पूरा आम का पेड़ ही ख़राब हो गया, सारे आम के पेड़ में इस तरीके से लग गया। आप लोग देखिए इसको तोड़ के फेंकना है कि क्या करना है, दवा छिड़का जाए, मेरे तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी चलते हैं आगे खेत से। हमारे खेत में जो कि ठंड वाला धनिया लगा था, उसी की चटनी बनाएंगे, साथ में चावल की लिट्टी लगाएंगे शाम को, जो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। चलते हैं खेत से धनिया पत्तों को लेते हैं। इधर देखिए खेत में आ गए, बोरा काफ़ी देखिए बड़े हो गए ना, इसको तोड़ ले रहे हैं। काफ़ी दिनों से देखिए बोरा टूटा नहीं, काफ़ी बड़े हो गए हैं, सब्जियों में देखिए तोड़ लेते हैं। बोरा तोड़ने में चलते हैं, अब धनिया के ताज़े पत्ते लेते हैं। ऐसे तो हमारे खेत में रंग बिरंगे खूब तरह के सब्जी लगाए हैं, लेकिन कभी कभी ना धनिया की जब चटनी बनती है ना तो बड़ा मज़ा आता है खाने में, वो भी चावल वाली लिट्टी के साथ। तो चलते हैं धनिया के ताज़े पत्ते लेते हैं। इधर मेड़ी पे बहुत पहले धनिया लगाया गया था, काफ़ी देखिए बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं। अब इसको देखिए खोट लेते हैं, जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, फिर धनिया इसमें देखिए उगेगा। अब ठंड के मौसम में देखिए धनिया के ताज़े पत्ते को देखना बहुत अच्छा लगता है, और जब चटनी का नाम सुनते ही ना तो मुंह में पानी आता है। धनिया की चटनी बहुत अच्छा लगता है, वो भी भुजिया वाले नमकीन के साथ जब बनाते हैं इसकी चटनी ना, तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो धनिया के देखिए ताज़े पत्ते हमने खूब सारे ले लिए हैं, और लहसुन के पत्ते देखिए ले लेते हैं बगल से। देखिए लहसुन के पत्ते कितने बढ़िया सब देखिए हो रहे हैं। अब ये सब देखिए ठंड के मौसम, इसका चटनी या सब्जी में डाल के इसके पत्ते बनाइए, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। हमने लहसुन के पत्ते और धनिया के पत्ते ले लिए, इसको लेकर चलते हैं अपने चूल्हे के पास। अब चलते देखिए धनिया के पत्तों का चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने हरी मिर्च, अदरक, काला नमक और इसमें लहसुन के पत्ते, धनिया के पत्ते जो लिए थे, इसको धुल के इसको देखिए बारीक काट रहे हैं। अगर आप लहसुन का पत्ते का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसमें गाढ़ का जो लहसुन होता है उसको भी छिल के इसमें 2-3 कली डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इस चटनी में, इसका चटनी जो कि बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए काला जो नमक डाला है, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है चटनी का। और ये काला नमक देखिए ओरिजिनल वाला है, पत्थर वाला है, तो बड़ा बढ़िया जो कि स्वाद लाता है इसमें। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इमली भी डालेंगे हम, तो ये देखिए ये रहा। और इसमें देखिए हम बारीक कटा हुआ देखिए नारियल है, इसको डाल देते हैं, इसके साथ पीसेंगे बहुत बढ़िया आएगा। और इसमें देखिए मूँगफली और सेव वाला देखिए नमकीन है, इसको भी पीसेंगे इसी के साथ, ये चटनी जो कि बड़ा स्वादिष्ट बनता है जब हम चावल की लिट्टी लगाते हैं, उसके साथ खाने में बहुत बढ़िया लगता है। अब देखिए इसको हम चटनी को पीसते हैं। हमने यहाँ पे देसी चटनी देखिए पीस लिया, उसको उठा ले रहे कटोरी में। ये चटनी ना आप चावल के साथ या फिर चावल की लिट्टी के साथ या फिर रोटी के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। और एकदम देखिए देसी चटनी है, इसको उठाएंगे कटोरी में, पकौड़े साथ खाने में बहुत बढ़िया लगता है चटनी को। चटनी हमने जो कि देसी पीस लिया है, अब देखिए
चावल का आटा जो कि हमारे घर का देसी चावल का आटा जो कि हमने इसको पिसवा के रखा हुआ था, अब इसी का हम लिट्टी लगाएंगे। तो इसको पहले देखिए हम गूँथ लेते हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको देखिए सानते हुए पूरे आटे को गूँथेंगे। चावल का आटा हमने गूँथ लिया है और तवा भी चढ़ा दिया है चूल्हे पे, लाल हो रहा है। अब देखिए चावल का लिट्टी बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सूखा पैथन लिया है, आटा हम लगाते हैं। और ये देखिए इतना बड़ा लोई ले लेंगे, इसको गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा चिपटा कर लेंगे और सूखा पैथन लगाते हुए थोड़ा सा इसको बढ़ा के देखिए इस तरीके से लिट्टी लगा लेते हैं। इसको देखिए थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे। अब देखिए तवे पे डाल लेते हैं। एक तरफ से देखिए लाल हो गया, इसको पलट देते हैं। ऐसे देखिए और बना लेते हैं लोई लेकर चावल की लिट्टी को। ये जब चावल का लिट्टी लगता है ना और आग में जब इसको हम सिझाते हैं फिर चटनी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए सूखा पैथन लगाकर इसको इस तरीके से करते जाएंगे हाथों से, आप बढ़ा लेंगे। अब इस लिट्टी को देखिए हम नीचे आग में पकाएंगे और देखिए तवे पे ये वाला डाल देते हैं। तो चावल की लिट्टी देखिए पीछे से हमने अच्छे से सिझा लिया, अब देखिए आगे से इसको सिझा देते हैं। काफ़ी फूला फूला देखिए चावल की लिट्टी जो कि बनता है, बढ़िया एकदम बनता है। ये देखिए लिट्टी जो कि हो गया है, इसको यहाँ पे खड़ा करते हैं। ये देखिए अब इसको जो कि आग के पास ले जाकर सिझाते हैं और तब देखिए दूसरा लिट्टी डालते हैं। इसी तरीके से देखिए हम चावल की लिट्टी और सेक के बना ले रहे हैं। ये देखिए पीछे इसको पहले अच्छे से सिझा लेंगे यानी पका लेंगे आग के आँच में। देखिए पहले पीछे अच्छे से लिट्टी को एकदम अच्छे से पकाना है, फिर आगे तरफ देखिए अच्छे से लिट्टी जो कि पक जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया देखिए फूला हुआ लिट्टी हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ। इसी तरीके से लिट्टी बना लेते हैं। ये देखिए आग में देखिए कितना बढ़िया बढ़िया देखिए फूल फूल का जो कि लिट्टी हो रहा है चावल का। धनिया की चटनी के साथ देखिए चावल का लिट्टी खाने में बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ये था देसी खाना जो कि ठंड के मौसम में गरम गरम खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।